बेटा हम लोग पहुंचे थे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हम लोग पहुंचे थे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में क्वेश्चन नंबर 6 था, सोनल देविया कंपनी लिमिटेड। इसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट तक, कमीशन तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। इसके आगे क्वेश्चन इजी है, एक या दो पॉइंट से सिर्फ हार्ड है, बाकी तब इजी है। जैसे ये अदर पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है डायरेक्टर्स फी 18,000। अब हम लोग एक एक करके सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो ये जो डायरेक्टर्स फीस लिखा हुआ है 18,000, पहले हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे, एक्सपेंसेस में यहाँ पे थर्ड नंबर करके लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस, और इसकी अमाउंट दी हुई है 18,000। अब दिमाग लगाओ, डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी में होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होता है। डायरेक्टर कहाँ पे होता है? कंपनी में होता है। तो इसका सारा का सारा खर्चा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा, ठीक है? तो आज के बाद याद कर लो, जो भी पार्टनरशिप का खर्चा है, जो भी पार्टनरशिप का खर्चा है वो प्री में आएगा, और जो भी कंपनी का खर्चा है वो पोस्ट में आएगा। तो 18,000 सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा, ठीक है? बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा। तो ये 18,000, ये आप देख सकते हो ऊपर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और ये डेबिट, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। अब ये चारों कॉलम जो है, वो चारों कॉलम कलर से याद कर लो, दोनों येलो वाले डेबिट है और दोनों ग्रीन वाले क्रेडिट है, ठीक है? तो मेरे को बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। दोनों येलो वाले डेबिट है, पहले प्री का डेबिट, फिर पहले प्री का डेबिट है, फिर प्री का क्रेडिट है, फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट है, फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट है। ऐसे चार कॉलम है, ध्यान देना अभी से। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर डायरेक्टर्स फीस के बाद दिया है बैड डेट्स 5040, बैड डेट्स 5040। अब ये जो बैड डेट्स दिए हुए 5040, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फोर्थ नंबर पॉइंट, बैड डेट्स 5040। अब मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में भी बताया है कि अगर हम लोगों को क्रेडिट सेल का रेशियो दिया हुआ है तो हम क्रेडिट सेल के रेशियो में बैड डेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्रेडिट सेल का रेशियो दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल का रेशियो दिया हुआ है। वैसे बाकी सारे क्वेश्चन में टोटल सेल्स का ही रेशियो दिया हुआ होता है, बट इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल का रेशियो दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट्स में हमने सॉल्व किया था क्रेडिट सेल्स का रेशियो। ये टोटल सेल्स है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल है 21:91। ये क्रेडिट सेल का रेशियो है 21:91। अगर क्रेडिट सेल का रेशियो दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल का रेशियो यूज करते हैं, और अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है तो हम टोटल सेल का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 21:91। तो मैं ये रेशियो यहाँ पे यूज करूंगा, रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21:91। मैं इस 5040 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल होता है 120, मतलब 21 और 91 दोनों को प्लस करोगे, 120 नहीं होता है, इन दोनों का टोटल होता है 112, इन दोनों का टोटल होता है 112, 21 प्लस 91 112 होता है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इक्वल टू 21 प्लस 91 112 होता है, 112। तो हम लोग क्या करेंगे, 5040 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 112, और यहाँ पे 5040 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 112, 21 अपॉन 112 और 91 अपॉन 112। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, बैड डेट्स। बैड डेट्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्रेडिट सेल्स के रेशियो में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। बैड डेट्स के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6,000 रुपीज एट ₹500 पर मंथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अब सीधी बात है, ₹500 पर मंथ दिया हुआ है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो पूरे साल का 6,000 आएगा। वैसे नॉर्मली
एडवर्टाइजमेंट का तरीका अलग होता है, बट इस क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट का तरीका अलग होगा। मैं दोनों बातें बता दूंगा धीरे धीरे। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट 6,000 rupees, एट रुपीज 500 पर मंथ। तो मैं पहले एक्सपेंसेस में जाता हूँ और धीरे धीरे समझाता हूँ आपको ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है 6,000 rupees। अब नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट जो है ये सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं सेल करने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग इसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500 rupees पर मंथ फिक्स है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एडवर्टाइजमेंट का हमारा खर्चा है 500 rupees पर मंथ। अब जब भी लिखा हुआ है पर मंथ मतलब टाइम रेशियो हुआ ना, मतलब हम इस क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का सेल्स रेशियो होता है, बट इस क्वेश्चन में टाइम रेशियो होगा। तो मैं टाइम रेशियो देखूंगा कितना था, वर्किंग नोट्स में जाता हूं मैं। ये टाइम रेशियो है हमारा, टाइम रेशियो है ये वाला 1:2। तो मैं एडवर्टाइजमेंट को टाइम रेशियो जो कि 1:2 है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2,000 और 4,000, ये 2,000 हो जाएगा, ये 4,000, 2,000 और 4,000, डन। एडवर्टाइजमेंट मैं फिर से बता देता हूँ, नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का सेल्स रेशियो होता है, बट इस क्वेश्चन में टाइम रेशियो होगा। आगे अब एडवर्टाइजमेंट के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के बाद हम लोगों को दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस 25% वेरिएबल 20,000। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पूरा चैप्टर है ही ऐसा, पूरा मैथमेटिकल है, मैथ्स बेस्ड कैलकुलेशन है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है, सुनना ध्यान से। पहले मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिख देता हूँ, ये आप थियरी वाले पेजेस में लिखना। बहुत ज्यादा वर्किंग नोट्स बनते हैं इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस और टोटल अमाउंट दी हुई है 20,000, और उसके नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% वेरिएबल, 25% वेरिएबल, ठीक है। अब मैं कुछ रूल्स बताता हूँ यहाँ पे, ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना। एनी फिक्स्ड एक्सपेंस, any fixed expense should be distributed in time ratio, कोई भी fixed expense हो उसको time ratio में distribute करना है। fixed मतलब क्या, जो हर महीने का fix खर्चा होता है, for example rent of factory या rent of office, तो जो rent का खर्चा होता है वो fix होता है कि हर महीने का इतना फिक्स ही होगा। तो जो भी सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं कि हर महीने आपको देने ही हैं, उनको फिक्स्ड एक्सपेंसेस को आपको हमेशा टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है तो बहुत देर लगेगी, एक एक पॉइंट एक एक एडजस्टमेंट समझाने में नई नई बातें आती है, वो थियरी वाले पेजेस लिखने में। तो चिंता मत करो कि ये क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब भी कंप्लीट हो हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको फिक्स एक्सपेंस बताया, तो एग्जाम्पल रेंट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड या रेंट पेड, तो जो भी सारे रेंट पेड या इंटरेस्ट पेड होते हैं ये हमेशा फिक्स होते हैं महीनों के हिसाब से, इतने इस महीने का इतना। तो फिक्स एक्सपेंसेस को हमेशा टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से, एनी वेरिएबल एक्सपेंसेस, कोई भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो, एनी वेरिएबल एक्सपेंसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो, मतलब जो भी सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनको सेल्स रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कमीशन ऑन सेल्स. अब सीधी बात है, कमीशन ऑन सेल्स आप कैसे पे करोगे? ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा कमीशन पे करोगे, कम सेल होगा तो कम कमीशन पे करोगे. तो जो भी सारे वेरिएबल एक्सपेंसिव हैं, उनको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. ओके, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस 20,000 और 25% वेरिएबल. अब यही चीज मैं आपको एक बार क्वेश्चन में दे कंफर्म करते हैं कि ये मैंने 20,000 सही लिखा है कि गलत लिखा है. क्वेश्चन में दे चेक करेंगे. ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 और ब्रैकेट में लिखा है 25% वेरिएबल. अब दिमाग लगाओ, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 20,000 है, और उसमें से 25% वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 75% होगा, सो रिमेनिंग 75% विल बी फिक्स्ड. अब फिक्स्ड मतलब क्या? जिसकी अमाउंट फिक्स होती है कि आपको इतना ही पे करना है. फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब जिसकी अमाउंट फिक्स होती है, आप उसको कम भी पे नहीं कर सकते हो, ज्यादा भी पे नहीं कर सकते हो. तो अच्छा, 25% वेरिएबल, वेरिएबल मतलब सेल बढ़ेगा तो ज्यादा खर्चा होगा, सेल कम होगा तो कम खर्चा होगा, उसको वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल मतलब जो फ्लक्चुएट होता है. तो अगर क्वेश्चन में लिखा है 25% वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 75% फिक्स्ड है. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 20,000 का 20,000 के दो पार्ट्स कर देंगे. पहले मैं 20,000 के दो पार्ट्स कर देता हूं. ये 20,000 है, इसके मैं इसमें दे दो लाइन ड्रॉ कर देता हूं. एक 25% वेरिएबल वाली लाइन ठीक है, एक हो गया हमारा 20,000 में दे 25%. अब बाकी बचेगा 75%. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 20,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100. तो ये आएगा ऑब्वियसली 5,000. यहां पे मैं लिखूंगा 20,000 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 100. तो ये आएगा 15,000. एक आएगा 5,000 और एक आएगा 15,000. ठीक है, मतलब 20,000 के मैंने दो पार्ट्स कर दिए, 5,000 और 15,000. अब ये जो 5,000 है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस 5,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में. सॉरी, वेरिएबल एक्सपेंस है ना बेटा, वेरिएबल एक्सपेंस है तो सेल्स रेशियो में. जो ये 5,000 वेरिएबल एक्सपेंस है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में. तो हमारा टाइम रेशियो क्या था? हमारा टाइम रेशियो था 1:2. मैं एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी सेल्स रेशियो, मेरी गलती है. वेरिएबल एक्सपेंस जो है, वेरिएबल एक्सपेंस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सेल्स रेशियो में, टोटल सेल्स के रेशियो में. तो टोटल सेल्स का रेशियो ये रहा, टोटल सेल्स का रेशियो 1:3. वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में 1:3. वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सेल्स रेशियो में, और हमारा सेल्स रेशियो है 1:3. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपीज का 5,000 रुपीज के दो पार्ट्स कर दूंगा, 1/4 और 3/4. यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई 1/4, 1250. और यहाँ पे हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 3/4, 3750. ठीक है, एक आया 1250 और एक आया 3750. ये हमारे दो पार्ट्स हो गए 5,000 के. मैंने 5,000 रुपीज के दो पार्ट्स कर दिए. और रेशियो कौन सा किया मैंने? सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो क्या था? 1:3. ठीक है, तो मैंने 5,000 रुपीज को जो वेरिएबल एक्सपेंस है, उसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी वेरिएबल एक्सपेंस हो, उसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. अब हम आ जाते हैं बाकी के 15,000 रुपए पर. बाकी का 15,000 रुपए हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है. इस फिक्स्ड एक्सपेंस को
हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में. ये फिक्स एक्सपेंस है 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम रेशियो में. ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए कि टाइम रेशियो क्या था, तो मैं ऊपर वर्किंग नोट्स में ऊपर जाऊंगा और टाइम रेशियो सबसे पहले, हमेशा सबसे पहले टाइम रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं. ये हमारा टाइम रेशियो है 1:2. मैं 15,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. ये 15,000 इसको मैं टाइम रेशियो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो 15,000 का 1:2, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 1/3. 1:2 मतलब 1+2, 1+2 3 होता है. तो 15,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 15,000 मल्टीप्लाई दूसरा पार्ट 2/3. यहाँ पे हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 2/3, 5,000 और 10,000. ठीक है, तो मैंने चार पार्ट्स कर दिए. मैंने चार पार्ट्स कर दिए, पहले 20,000 के दो पार्ट्स किए 5,000 और 15,000, फिर 5,000 के दो पार्ट्स किए 1250 और 3750, और फिर 15,000 के दो पार्ट्स किए 5,000 और 10,000. अब ये टोटल 20,000 जो टोटल सेल्स एक्सपेंस है, ये मैं स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा. मैं पहले लिखूंगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, फिर मैं लिखूंगा फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000. मैं धीरे धीरे लिख के बता दूं. अच्छा, ये तो आप लोग समझ गए कि ये प्री की अमाउंट है और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट है. इतना तो समझ गए आप लोग. ये 1250 प्री की अमाउंट है और 3750 पोस्ट की अमाउंट है. ये 5,000 प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट है और ये 10,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट है. इतना तो क्लियर है आपको. ठीक है, अब पहले ये 5,000 से शुरू करते हैं. 5,000, 1250, 3750. ये तीन नंबर्स याद करो, 5,000, 1250, 3750. चलो स्टेटमेंट में जाते हैं. यहाँ पे लिखते हैं 6A. सिक्स नंबर लिख देते हैं. सिक्स में ए पॉइंट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस. वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस था 5,000 और इसमें थे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1250 और 3750. 1250 और 3750. ठीक है, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में किया था, वेरिएबल वाले को, सेल्स रेशियो में. सेल्स रेशियो क्या था हमारा, सेल्स रेशियो था 1:3. ठीक है, तो वेरिएबल जो 5,000 था उसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए, 1250 और 3750 हो गया. इसी तरीके से 6 का बी पॉइंट था फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस. फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस और वो था 15,000. 15,000 के हमने दो पार्ट्स किए थे, 5,000 और 10,000. अगर आपको याद हो, मैं दिखा दूंगा फिर से. 15,000 के हमने दो पार्ट्स किए थे, 5,000 और 10,000. 15,000 के दो पार्ट्स किए थे, एक 5,000 एक 10,000. यहाँ पे हमने किया था टाइम रेशियो और टाइम रेशियो था हमारा 1:2. तो हमने 15,000 का 1:2 किया था, 5,000 और 10,000. ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिक्स्ड वाला भी. फिक्स्ड वाला इसके हमने दो पार्ट्स किए थे, 15,000 के 5,000 और 10,000. डन. तो ये पॉइंट भी थोड़ी न्यू थी, टिपिकल थी. जितना टिपिकल आते जाए मेरे सामने उतना आप लोगों को फायदा है, उतना इजी होते जाएगा आपके लिए. अब सेल्स एक्सपेंस के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6,000. ये बहुत इजी होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा महीनों के हिसाब से होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये बहुत इजी होता है, 6,000 बहुत इजी. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 6,000. मैं यहाँ पे थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ.
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये आपको दिया हुआ है 6000. अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 6000 जो है, डेप्रिसिएशन हमेशा महीनों के हिसाब से होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमेशा हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 6000 के दो पार्ट्स करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 1/3. 3 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया? 1:2, 1:2, तो 1 और 2 3 हुआ. तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 2/3. तो एक आया 2000 और एक आया 4000. ठीक है, तो मैंने 6000 रुपीज को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 6000 मल्टीप्लाई बाय 2/3. डन. ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया, बहुत इजी होता है ये पॉइंट. उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस. इसका तो मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस 9600. आप देखोगे तो यहाँ पे 7th एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड ऑन 31 अक्टूबर 2010. तो ये जो 9600 है और 31 अक्टूबर 2010 है, ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख के रखता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया. ये वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया. ये रूल्स आप थियरी पेजेस में लिखोगे. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी का अभी. इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस, या इसको परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं, परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन एक ही बात है, या इसको ऐसा भी बोलते हैं, और इंटरेस्ट पेड टू वेंडर. वेंडर मतलब कौन था? पार्टनरशिप फॉर्म. हम कौन है? कंपनी. इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, वेंडर कौन है? पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये टोटल 9600 रुपीस दिया हुआ है. ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, मैंने थियरी वाले पेजेस में भी समझाया नहीं इसको, अभी आज मैं समझा देता हूँ. इसका रूल ये होता है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस का, कि इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस इज paid from the beginning, from the beginning of accounting year up to the date of payment of purchase price. मतलब जिस दिन से हमारा accounting year begin हुआ, उस दिन से लेकर जब तक हम लोगों ने परचेज प्राइस पे किया. तो हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन कब हुआ? अकाउंटिंग ईयर इस क्वेश्चन में बिगिन ऑन, इस क्वेश्चन में हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हुआ, पहले मेरे को वो डेट चाहिए. तो ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है. ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर इस क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ था 1/1/2010 से. इसको बोलते हैं जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, ये डेट मेरे को चाहिए 1/1/2010, जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/2010. इस दिन पे हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ. यहां से लेकर कहां तक? जिस दिन तक परचेज प्राइस पे किया हो. अब जिस दिन पे परचेज प्राइस पे किया होगा, वो डेट हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस. ये डेट आपको क्वेश्चन में हमेशा दी हुई होगी. इस क्वेश्चन में भी दी हुई है, लास्ट एडजस्टमेंट में. ये अलग से डेट क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ था. ये लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, ये 7th पॉइंट में क्वेश्चन में, परचेस कंसिडरेशन वॉज पेड ऑन 31 अक्टूबर 2010. अमाउंट ये रही इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन की 9600 और डेट ये रही.
परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड ऑन 31 अक्टूबर 2010. तो 31 अक्टूबर 2010 ये जो डेट है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये 31 अक्टूबर 2010 और ये 9600, इन दोनों को ध्यान से देखो. इन दोनों को ध्यान से देखो, 31 अक्टूबर 2010 और 9600. तो ये डेट हमारे बहुत काम किया, 31 अक्टूबर 2010. अब मैं वर्किंग नोट्स में जा रहा हूं और ये डेट लिखूंगा 31 अक्टूबर 2010. ओके, यहाँ पे 31 अक्टूबर 2010. ठीक है, अब मैं ये सारे मंथ्स अलग अलग से लिख दूंगा, ये कौन से महीने हैं. अब 1/1/2010 मतलब जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर. अब आप काउंट करो ये कितने महीने हुए, 1 जनवरी 2010 से 31 अक्टूबर 2010 ये कितने महीने हुए. तो ये होते हैं इक्वल टू 10 months. कितने महीने हुए, 10 महीने हुए. वही 10 महीने मैंने नीचे अलग अलग से लिख दिए, मैंने जानबूझ के सबको अलग अलग से लिखा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैंने सबको अलग अलग से लिखा जानबूझ के, 10 के 10 महीने लिख दिए. ठीक है, अब इस 9600 को हम लोग डिवाइडेड बाय ये वाले 10 months करेंगे. इस 9600 को मतलब ये जो 9600 हमने इंटरेस्ट पे किया, ये वाला, ये हमने 10 महीने का इंटरेस्ट पे किया है. यहां तक बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है, पर फिर भी मैं पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा. मतलब हम लोगों ने जो 9600 पे किया है ये 10 महीने का पे किया है. अब सुनते रहना, ये जो 9600 हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है ये हम लोगों ने टोटली 10 महीने के लिए पे किया है. अब मैं क्या करूंगा, इस 9600 को डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स कर दूंगा. मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 10. ऑब्वियसली पर मंथ आएगा कितना, 960 रुपीस पर मंथ. मतलब एक महीने का कितना हुआ, 960 रुपीस. तो हम लोगों ने ये जो 9600 पे किया है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, ये हमने पे किया है 1/1/2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक. तो ये होते हैं 10 महीने. तो 9600 हमने 10 महीनों का पे किया है, तो एक महीने का कितना हुआ, 960. अब ये जो एक महीने का 960 आया ये मैं हर एक महीने में लिख दूंगा, जनवरी में 960, फरवरी में 960, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, हर एक महीने में मैंने 960 रुपीज लिख दिया. हर एक महीने में मैंने 960 लिख दिया. ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 10 के 10 महीनों में मैंने 960 रुपीज लिख दिया. अब मेरे को ये चाहिए, लास्ट स्टेप अब मेरे को ये चाहिए कि हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था. वैसे मेरे को तो याद है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा 1 मई 2010, फिर भी मैं दिखा देता हूँ. ये वर्किंग नोट नंबर 1 में यहाँ पे मैंने लिख के रखा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये हमेशा क्वेश्चन की पहली पहली लाइन में दिया होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010. ये डेट हमको चाहिए अभी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010. सुनते रहो, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मई 2010. तो मैं क्या करूंगा, 1 मई से पहले का जो खर्चा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा 1 मई 2010 है, तो 1 मई 2010 से जो पहले का खर्चा है ये प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा, और 1 मई 2010 के बाद का जो खर्चा है वो ऑब्वियसली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा. तो यहां तक ये आंसर बहुत इजी हो जाता है इतना करने के बाद. अगर आप लोगों को इतना दिखाई दे रहा है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बेटा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 मई 2010, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्लियर, अभी बहुत इजी हो गया. तो 1 मई 2010 जो है वो अप्रैल और मई के बीच में आता है, तो 1 मई से पहले के जो सारे खर्चे हैं ये प्री इनकॉर्पोरेशन में आएंगे,
मतलब 4 महीने 960 960 960 960 चार बार, तो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा होगा 960 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 960 चार महीनों का, तो 960 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 3840। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ। इसी तरीके से हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का भी खर्चा निकालेंगे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितने महीने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 अमाउंट है, 1 2 3 4 5 6। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना खर्चा हुआ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ 960 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। 960 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 960 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये होता है 5760। तो जो क्वेश्चन में 9600 था, पहले हमने 9600 को 10 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 960 960 960 960 10 बार, उसमें से 4 महीने प्री के हैं और 6 महीने पोस्ट के हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, तो मेरे को लगा मैं इसी वीडियो लेक्चर में बता दूं। तो ये 3840 और 5760, मैं टोटल भी करके बता दूं कि 3840 प्लस 5760 3840 प्लस 5760 टोटल वापस वही आ गया 9600 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब ये दो अमाउंट याद रखना, 3840 और 5760। आंसर में जाते हैं, थ्री एट फोर जीरो फाइव सेवन सिक्स जीरो, ठीक है, टोटल 9600। अब यहां पे मैं लिखूंगा एट नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस या इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, एक ही बात है। इसको रेशियो कौन सा हुआ, एक्चुअल, रेशियो में क्या लिखेंगे, एक्चुअल, ठीक है। तो 9600 के हमने दो पार्ट्स कर दिए, 3840 और 5760। कैलकुलेशन सारा वर्किंग नोट्स में मैंने बता दिया, डन। अभी भी हमारी 3-4 ट्रांजेक्शन्स बाकी है, सैलरी टाइम रेशियो में आएगा, कैरिज इनवर्ड मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं आएगा, ऑडिट फीस टाइम रेशियो में आएगा, शेयर ट्रांसफर फीस फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आएगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बताइए, ये जो 6000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो गलत हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हमने जो 6000 डिस्ट्रीब्यूट किया वो गलत हो गया, वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। तो ये सैलरी, कैरेज, ऑडिट फीस, शेयर ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन, ये 5 ट्रांजेक्शन मेरे को सिखाना बाकी है अभी भी, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो देर लगेगी। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन के अलावा आप सब कुछ इसी वीडियो में से लिख सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट था तो डेप्रिसिएशन हमारा गलत हो गया। बाकी आपको अभी लिखना है या नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिखना है, आपकी मर्जी है। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अभी नहीं लिखना, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। ये क्वेश्चन है, ये वीडियो बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, समझते रहो, कंसेप्ट समझो। अमाउंट्स एग्जाम में ये वाली नहीं आने वाली है, मेथड्स समझो, फॉर्मूला समझो, अमाउंट्स तो कोई और ही आएंगे। ये डेप्रिसिएशन मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट डिलीट, डेप्रिसिएशन की मैंने अमाउंट्स डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है तो चेंज करना पड़ेगा। बाकी सब जो मैंने लिखा है वो 100% सही है, जो भी मैंने वर्किंग नोट्स भी लिखे हैं वो सब 100% सही है।
है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक बार रिवाइज कर लेना सारा वीडियो, सारे पॉइंट्स एक बार फिर से रीड कर लेना।